नमस्कार दोस्तों, चर्चा में कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनीता भास्कर और आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, चर्चा में कार्यक्रम में आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा अभी स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजनीति विज्ञान के। दोस्तों, लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं और उत्तराखंड में संपन्न हो चुके हैं, तो उत्तराखंड में डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा ने जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाई है लोकसभा चुनाव में, उनको सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो भी उनका सेक्टर था, जहां जहां उन्होंने भ्रमण किया, कहीं गाड़ी से गए, कहीं पैदल गए, बहुत दूर दूर के बूथ उनको मिले हुए थे जिम्मेदारी के तौर पर, तो वहां उनके किस तरह के अनुभव रहे हैं उनको हमसे वो आज साझा करेंगे। डॉक्टर प्रकाश लखेड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सुनीता जी। प्रकाश लखेड़ा जी, आप जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट रहे, पहले तो बताइए कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब आपको मिली तो तब क्या सोचा आपने? सबसे पहले जब स्टूडेंट आप थे तब पढ़ते आए हैं कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, ये संसद है, ये लोकसभा चुनाव होते हैं, ये संसदीय सीटें होती हैं, तो वो सब पढ़ते पढ़ते फिर आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको सीधे साक्षात्कार करना पड़ता है, उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है, तो वो फीलिंग आपकी कैसी थी, कैसा आपने महसूस किया? जी, लोकतंत्र जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है मत देने का, और इसमें जो जिम्मेदारी मिलती है, जैसे मुझे मिली जिम्मेदारी, पहली बार मिली और इसको मैंने बड़े उत्साह और बड़ी चुनौतीपूर्ण और बड़े ही अपनी जिम्मेदारी से इस कार्य को निभाया। और जैसे कि आपने अभी बताया कि 11 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव हुए, तो मैं चंपावत जिले में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर 7 में हमें मिला, जिसमें कि 10 बूथ मिले, और इसकी जो तैयारी है लगभग 2 महीने पूर्व से जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया जाता है। जैसे कि चंपावत जो विधानसभा या लोहागढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है, इसमें जो लोकसभा सीट निर्धारित है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर, तो ये सभी मिला के मतलब 14 जो विधानसभा है कुल, एक जो जैसे उत्तराखंड में आपको पता है कि पूरे 5 जो है लोकसभा सीट, हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है 14 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित होते हैं। जैसे कि चंपावत जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें और लोहागढ़ विधानसभा क्षेत्र, इसमें कुल 321 जो है बूथ बने थे। उन 321 बूथ में से जो 31 बूथ थे बहुत ही अति संवेदनशील थे, यानी 5 किलोमीटर से लेकर 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा कर। इसके लिए जो है जिम्मेदारी जो है जो सेक्टर बनाए गए थे, 51 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किया गया था, उन 51 सेक्टर मजिस्ट्रेट के अंदर मेरा जो सेक्टर था वो सेक्टर 7 था, धौन सेक्टर 7, और इस सेक्टर 7 में जो है मुझे 10 बूथ मिले हुए थे और वो लगभग 25 से 35 किलोमीटर की रेडियस में थे वो। जी, जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो 4 ऐसे जो बूथ थे धौन जो सेक्टर 7 के अंतर्गत, जैसे कुकडोनी है, वो मेन जो है कम से कम 10 किलोमीटर पैदल, मतलब आपका अच्छा। जो हाँ कुकडोनी है, हिडंगा है, तो ये 10 किलोमीटर पैदल रोड हाइट से हम बात कर रहे हैं ना, और अगर मुख्यालय से कहें लोहाघाट से तो तब कितना दूर होगा वो वहाँ से? 30 और 35 के बीच में, 35 के बीच में कुछ दूरी आप गाड़ी से, गाड़ी से, और कुछ 10 किलोमीटर जो है वो पैदल है। उसी तरह से अलग आगे वाले जो हिडंगा है ये भी पैदल है, अमौन है ये भी पैदल है, बजौन है ये भी पैदल है, बाकी जो 6 बूथ थे वो रोड हेड पे थे। रोड हेड का कहने मतलब कि 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर, और इन बूथों को जो भ्रमण था वो 2 महीने पूर्व जो है हमसे करवाया गया था सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट से, और इन बूथों में ये देखना था कि उन बूथों में एक टेलीफोन कनेक्टिविटी मिलता है नहीं मिलता है, दूसरा उस बूथ के अंदर 2 दरवाजे हैं या नहीं है, और अमूमन जो आपने देखा होगा पहाड़ में जो मतदान केंद्र बनते हैं वो प्राइमरी स्कूल ही बनते हैं, और इन प्राइमरी स्कूलों में जो व्यवस्था बिजली की व्यवस्था है नहीं है, तो जहां पर बिजली नहीं थी वहां पर सोलर व्यवस्था स्कूल में व्यवस्था की गई थी, और कमरे जो है ठीक ठाक है नहीं है, 2 दरवाजे हैं या नहीं है, और दरवाजे किस चीज के लिए, एक से अंदर जाना एक दूसरे से बाहर आना, और खिड़की की व्यवस्था है या नहीं है, और जो है जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग जिन्हें कहते हैं, उनके लिए बैठे, उनके बैठने के लिए बुजुर्ग हैं उनके बैठने के लिए, और वो जो बूथ है वहां पर जो है रास्ते वहां पर किस तरह से
हैं जब गांव वाले आते हैं अपने जी, 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 तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जब पहले आपने जो भ्रमण किया उसमें ये सब चीजें आपने देखी जी, जी, सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है हमें जी, जी, बहुत सारे कागज मिलते हैं जी, और उन सब में अपनी अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो जैसे ही आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली उसके बाद आप लोगों ने अपने 10 जो बूथ थे उनका भ्रमण किया जी। अच्छा, कौन कौन लोग आप लोग भ्रमण में गए और क्या चीजें देखने को मिली? और जो आपने बताया कि 4 जो बूथ थे वो बहुत ही अति संवेदनशील इलाके थे और काफी पैदल आपको वहाँ पर चलना पड़ा, तो वहाँ पर की वहाँ के इंतजाम कैसे थे? क्या वहाँ बिजली की व्यवस्था थी? क्या क्या रैंप वहाँ पर बने थे? क्या बैठने के लिए व्यवस्थाएं वहाँ पर थी? क्या पानी बिजली ये सब? जी सुनीता जी, इसमें ऐसा है कि जो जो भ्रमण हम लोगों ने किया था, जो जिलाधिकारी महोदय जी से हमें जो प्रपत्र मिले थे उसमें उन बूथों के बारे में विस्तृत रूप से हमने अपनी आख्या देना था। तो हमें जो है एक दरोगा मिले थे और एक कांस्टेबल मिले थे और एक ड्राइवर मिला था और हमें साथ में जाना था वहां पर और देखना था कि लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर गांव वालों से भी हमें मुलाकात करना था कि यहाँ पर सबसे पहले कि कोई असामाजिक तत्व तो नहीं है, है ना, जो चुनाव के दौरान जो है कोई उपद्रव करे और या कोई विघ्न डाले या लोग जो हैं यहाँ पर चरस गांजा का तो ज्यादा वो नहीं है, एक तरह बोलबाला होता है। हाँ बिल्कुल, और इस तरह के जो असामाजिक तत्व होते हैं वो चुनाव के दौरान जो है वो फैलाते हैं। और दूसरा जो है, जो आपने बताया पूछा कि बिजली और पानी और क्या बोलते हैं रास्ते, वो अमूमन जो है हर बूथ में हमें ठीक ठीक पाए गए गांव के स्तर पे, क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ कि आपको सल्ली एक ऐसा क्षेत्र जो जो आपके जो सांसद महोदय हैं इस आपके अजय टमटा जी, उनका जो एरिया उन्होंने गांव में गोद भी ले रखा, तो वहां से 4 किलोमीटर पैदल जाना है, वो खच्चर वाला रास्ता है, फिर नीचे और 5 किलोमीटर नीचे बिल्कुल नाक की सीट पे जाना पड़ता है। अच्छा। तो गांव में अभी आप देखेंगे कौन सा बूथ था? ये कुकडोनी कुकडोनी बूथ, और बहुत बड़ा गधेरा था एक, उससे जो है वो चलती तक जा रहा है वो गधेरा, तो लोग पार करके जाते, तो वहाँ के हमने लोगों देखा और बहुत कम मुआसे वहाँ रहते हैं, 7-5 मुआसे रहते हैं, और वहाँ की जो बोटिंग 102 बोट वहाँ पर कुल मतदाता है, तो लोगों से सबसे पहले हमने संपर्क किया। तो जी इस वाले बूथ पे केवल 102 मतदाता हैं? जी जी कुकडोनी में। और कितने गांव होंगे इसके आसपास जो आते हैं पूरा इलाका? वहाँ पर करंट 5-7 गांव तो आते हैं। 102 लोग थे और 102 में से कितना वोटिंग हुई है उस बूथ पर? उस समय तो वहाँ पर जिस समय मैं था उसमें 70 करीब लोगों ने मत डाले। तो बाकी जैसे आपने बताया कि इतने दुर्गम क्षेत्र में आप गए, बिल्कुल नाक की सीध वाली खड़ी चढ़ाई आपने चढ़ी और वो सब मेरे साथ, हाँ मेरे साथ वो हमारी टीम थी, अकेले नहीं गया, मेरे साथ एक दरोगा मैम थी, एक ड्राइवर थे, कांस्टेबल, हम लोग वहाँ नाक की सीध वाले उसमें गए। और पहली बार आपने इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ी? नहीं पहली बार नहीं, इससे पहले भी मैं तो खुद अल्मोड़ा जिले के सालदी ब्लॉक में रहने वाला, तो गाँव मेरा बचपन मेरा गाँव में बीता है, तो और फिर सुबह शाम जो है पहाड़ों में टहलते हैं, तो ये मुझे उतनी मुश्किल नहीं पड़ी। हाँ एक दरोगा मैम जो थी वो शालू धरियाल मैम, वो पंजाब से रखती थी तालुका, तो उन्हें हालांकि दिक्कत हुई लेकिन उन्होंने अपनी दिक्कत कहीं मतलब दिखाई नहीं, उन्हें बोला सर ये ड्यूटी है तो ड्यूटी हमें करनी है। अच्छा। तो जहाँ जहाँ मैं गया, जहाँ जहाँ वो आई और हमारे जो साथ में 2 और लोग थे वो हम लोग गए, और बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक हमने जो है जो हमें प्रपत्र मिले थे, जो प्रश्नगत थे प्रारूप, उनको हमने गांव वाले से पूछकर, स्कूल में जो टीचर से उनसे पूछकर, भोजन माता से पूछकर, और BLO जो वहां पर है उनसे पूछकर, और मुख्य रूप से यह था कि जो नेटवर्क है, क्योंकि चुनाव के दौरान जो है नेटवर्क सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो हर 2 घंटे में जो रिपोर्ट देनी पड़ती है कितना मतदान हुआ और क्या हुआ, तो वो सारी हमें रिपोर्टें देखना था, लेना था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे जिला अधिकारी महोदय थे उन्होंने हमें बहुत अपने अनुभव ऐसे शेयर किए थे कि आप जो है नेटवर्क पूरा देखिएगा, अपना फोन 2-3 जो भी है, वोडाफोन का है या रिलायंस का है या BSNL का है, BSNL तो बहुत कम लगता है वहाँ या आइडिया है, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो खच्चर चलाने वाले लोग थे, जो गांव के मूल, हमने उनके फोन नंबर भी लिए कि चुनाव के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रथम मतदान अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी है, द्वितीय मतदान अधिकारी है या अन्य तृतीय मतदान अधिकारी, उनके फोन ना लगे, तो ऐसी स्थिति में हम उनसे संपर्क करके ये सारी रिपोर्टें ले सके या कहीं कोई गड़बड़ी आशंका तो नहीं है, क्योंकि 10 बूथ मिले थे
और 10 बूथ 30 से 35 किलोमीटर के रेडियस में था वो। तो अगर हम एक बूथ में तो दूसरे बूथ की खबर जानने के लिए हमें ये सारी चीजें। तो आपकी ड्यूटी कितने दिन पहले से शुरू हो गई थी? ये 2 महीने से पहले से। लेकिन 11 को जैसे चुनाव थे तो आप 11 की सुबह जो है वो रवाना हुए? नहीं नहीं नहीं, जो दुर्गम वाले थे जो मैं 4 बूथ बताए, और हालांकि जो 31 बूथ थे वो 2 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय ने जो है उनको जो है रवानगा किया था। 9 तारीख को उनकी रवानगी हुई। तो 11 तारीख की सुबह आपकी कैसी गुजरी, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया, कहाँ से शुरुआत की? जी हम तो 9 तारीख से ही अपने जो सेक्टर क्षेत्र है धौन, हमारा मुख्यालय था राजकीय इंटर कॉलेज, उसमें रहना शुरू कर दिया था। और हमें वही मुख्यालय में ही रहना था। अच्छा। और वहाँ जो है प्रिंसिपल साहब ने अच्छी व्यवस्था किया था। और तो रात में ये देखिए कि हमने सारी अपनी रिकॉर्ड रख लिए, जो रिपोर्ट बनानी होती है और वो रखा। फिर हर जो इसमें होता है कि जैसे 9 तारीख को जो पोलिंग पार्टी गई अपने बूथों पर, तो उनको छोड़ना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। उनको वहां तक पहुंच गए कुशल मंगल, क्योंकि इस बार जो है ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट का सबसे बड़ा जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था, और उसके बड़ा संवेदनशील रहा। और पहाड़ में आप देखिए उबड़ खाबड़ जगह है, ऊपर नीचे है, उसको इस तरह बड़ा एक तरह से सीधे करके ले जाना है, उसको घोड़े कच्चे में भी नहीं ले जाना है, उसको जैसे एक बच्चा पकड़ते हैं अपनी गोदी में, एक बच्चा यानी जो पैदल भी नहीं चल सकता, जो 9 महीने का होता है। क्या बात है, आप बिल्कुल रोचक और बहुत दुर्लभ जानकारी बता रहे हैं। इस तरह से ले हमने सुना कि इस बार वीवीपैट इस्तेमाल किया गया है पूरे देश भर में, लेकिन वीवीपैट को इतने जतन से ले जाया जाता है ये हमको नहीं मालूम है। अगर थोड़ा सा बताइए हमारे लिसनर्स को कि किस तरह का होता है वीवीपैट, जो मशीन है वो कितनी बड़ी होती है, कितनी वेटेड होती है, और क्या होता है अगर हम उसको थोड़ा सा खच्चर में ले जा लेंगे या फिर उबड़ खाबड़ जगह पे, क्यों उसको इतनी जतन से रखना होता है? जी इस बार जो है ना, ये जो आपका पहली बार जो है वीवीपैट जो है यूज किया गया, वोटर वेरिफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये एक तरह से बड़ा संवेदनशील, इसके बारे में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो इसके बारे में, क्योंकि ये रिसर्च बेस पर हुआ कि इसको अगर हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो इसके अंदर जो प्रिंट है, जो कागज है, ऐसे जो इसके अंदर जो मशीनरी लगी है वो हिलने से जो है गड़बड़ कर सकती है वोटिंग के दौरान, पहली बात। दूसरी बात, को प्रकाश लाइट फोकस नहीं पड़ना चाहिए, जो स्लिप निकलती है वो 7 सेकंड दिखता है और वो उसके बाद चले जाता है नीचे बॉक्स के अंदर। तो और एक तरह से एक प्रिंटर है, एक तरह से देखा जाएगा। और ये जो मतदान करने वाले जो आते हैं लोग, उनको जो जिस बटन में उन्होंने वोट डाला है वो प्रिंट उनको दिखता है। और इसके बारे में ईवीएम मशीन से भी इसका कनेक्शन होता होगा? हाँ, ये ईवीएम मशीन 4 होते हैं, ईवीएम मशीन होती है, उसमें आपका वैलेट एक तो होता यूनिट होती है, और आपका कंट्रोल यूनिट होती है, और वीवीपैट, 4 चीजों से आपस में कनेक्शन होता है। जी जी। और तो इन चारों ही को अलग अलग करके आप बूथ तक। हाँ, लेकिन हाँ, सबसे जो संवेदनशील था वो वीवीपैट का था। तो हम जिस दिन मैं आपको बता रहा कि 9 तारीख को जो मेरे अपने सेक्टर के अंदर जो 4 बूथ ऐसे थे, हमारी जिम्मेदारी थी कि जो पीठासीन अधिकारी के साथ जो 8-9 कर्मचारी गए हुए थे, मतदान कर्मचारी, उनको जो है स्पेशल हिदायत दी थी कि भी इसको एक बच्चे की तरह ले जाना है, और ले गए। और जिस दिन मतदान हुआ उसके 10 तारीख के दिन भी जो है 6 बूथों में जो है वीवीपैट और ईवीएम मशीने गई पोलिंग बूथ की पार्टी। तो ये हमारा फर्ज था सेक्टर मजिस्ट्रेट का हर, कि वो सही सलामत वहां पहुंच जाए और फिर हमें रिपोर्ट करें, फिर हमने रिपोर्ट डीएम कार्यालय में आगे प्रेषित करनी होती है। तो दिन भर आपका काम होता था कि या तो आप दिन भर आप पीठासीन अधिकारियों से फोन करके समय समय पर मतदान का प्रतिशत एक तो आप हासिल करते होंगे, उसके अलावा सबसे पहले तो ये देखा होगा कि सब लोग अपने अपनी जगह पे पहुंच गए नहीं पहुंचे हैं, सारी मशीनें सकुशल हैं कि नहीं है, और कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे? अगर कहीं से कुछ फर्जी वोटिंग की या फिर इस तरह की कोई दिक्कतें अगर आती हैं, कहीं कोई अराजक तत्वों ने कुछ कर दिया, तो क्या ऐसी घटनाएं भी आपके बूथ में देखने को मिली? जी, हमारे बूथ में इस तरह का तो कोई फर्जी वोटिंग का और अराजक तत्वों का तो कोई बोलबाला नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टें थी उसके आधार पर ही LIU और स्थानीय पुलिस और CRPF के और होमगार्ड के लोग तैनात थे जहां जहां पर अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथे थे। और जिस दिन चुनाव का जो दिन था, जैसे आपने पूछा कि 11 तारीख को आपका कैसा, तो हम लोग तो उस दिन तो नींद ही नहीं आई, मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं नींद इसलिए भी नहीं आती। 10 तारीख की रात आपको नींद नहीं आई? हाँ, नींद इसलिए भी नहीं आई कि जी आप जो हर बूथ में जो पीठासीन अधिकारी टाइम से उठे नहीं, क्योंकि मॉक पोल करना था। इस बार 7 बजे से मतदान था, तो 6:15 से जो है मॉक पोल स्टार्ट करना था, और उस मॉक पोल से लेकर 7 बजे के बीच में 45 मिनट में यानी 50 मॉक पोल कम से कम करने थे, उसमें नोटा भी करना था।
तो 50 कम से कम थे, 51, 52, 55, 60 कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया वो कम से कम आधा पौने घंटा लगती है, बहुत सारे प्रपत्र भरने पड़ते हैं। तो ये पीठासीन हर बूथ के अंदर जो पीठासीन अधिकारी हैं, प्रथम मतदान अधिकारी हैं, द्वितीय मतदान अधिकारी हैं, तृतीय हैं, चतुर्थ हैं, उन सब की जिम्मेदारी मिलकर ये कार्य संपन्न हुए मॉक पोल के बाद। ये 7 बजे के बाद जो है, जैसे मैं खुद ही धौन में था तो हमने वहीं से हमने स्टार्ट किया था, हम 5-6 बजे उठ के जो है 5:30 बजे पहुंच गए थे बूथ पे, और वो जो मतदान अधिकारी थे वो लोग उठकर अपनी पूरी तैयारी में बैठे हुए थे, और एजेंट भी आ गए थे। सबसे अच्छी बात है एजेंट भी पहुंच गए थे, तो एजेंट के सामने भी ये मॉक पोल तो होना मतलब था। कह सकते हैं कि उन्हें भी नींद ना आई रात में। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जी बड़ी जिम्मेदारी होती है, बड़े संवेदनशील होता है, इसमें थोड़ा सा लापरवाही में भी मतलब सस्पेंड होने में देरी भी नहीं लगती है अगर लापरवाही, और अगर इस काम को जागरूक तौर पर किया जाए, जिम्मेदारी से किया जाए, और एक तरह से लोकतंत्र के पवित्र त्योहार के रूप में किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये काम बहुत आसानी से और बहुत अच्छी से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से मॉक ड्रिल आपने की, कि 7 बजे के बाद जो वोटिंग होनी है उसकी एक प्री रिहर्सल आपने जो है वो 5:30 बजे से की। हाँ, वो तो सभी मतदान बूथों पे मॉक पोल तो बहुत जरूरी था। वो मॉक पोल इसलिए था कि मशीन हमारे काम ठीक से कर रही नहीं कर रही, ये हर बूथ को करना है पूरे देश तो में। उसमें क्या ईवीएम बटन दबाते हैं? हाँ, ईवीएम बटन मतलब आप जो है जो ईवीएम बटन होता है उसमें सभी जो जो प्रत्याशी होते हैं उनको वोट दिया जाता है। जो जैसे प्रत्याशी अगर उदाहरण के तौर पर 5 हैं तो 5 प्रत्याशी को जो है 10-10 देकर एक नोटा को देकर 51 कर सकते हैं। तो मॉक पोल क्या है कि जो आप बटन दबा रहे हैं वही पर्ची है, इसका अर्थ ये हुआ। ओके, तो 10-10 वोट दिए जाते हैं एक प्रत्याशी? हाँ, 10 दें, 7 दें, हाँ जितना वो अपने ऊपर निर्भर करता है, लेकिन 50 कम से कम है। तो वो वोटिंग वो बाद में काउंटिंग में काउंटिंग नहीं नहीं वो काउंट नहीं होता, उसके बाद फिर उसमें जो है उनको सबको बॉक्स में एक काला लिफाफा होता है, उसमें उसको जो है सील बंद करके रख दिया जाता है। अगर भविष्य में कभी ऐसी बात आती है कि इस वीवीपैट में जो है खराबी है, तो मॉक पोल के अंदर जो सरकारी कर्मचारी है उसके जो किए गए जो ये एक तरह से हुए हैं आपके जो एक प्रैक्टिस किया गया उसको एक जी उसको फिर दिखाया उसको दिखाया जा सकता है अगर हाँ सबूत के तौर पे कि ये ऐसा नहीं था, और उसके पूरा रिकॉर्ड रहता है। अगर हमने 7 वोट अगर ए को डाला है तो 7 ही होंगे उसमें, 10 वोट डाले हैं बी को तो बी को 7 ही 10 ही होंगे, अगर नोटा को हमने 10 डाले तो 10 होंगे। ये यानी जो बटन आपने दबाया तो पीठासीन अधिकारी डालते हैं वो या कौन लोग डालते हैं? पीठासीन अधिकारियों की टीम, जो टीम होती है टीम है आप सब लोगों की, वो डालती है। जी जी जी, मॉक पोल तो पीठासीन, देखो हर बूथ का जो हेड होता है पीठासीन अधिकारी होता है, और जो 10 बूथ होते हैं उनमें जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट की पूरी जिम्मेदारी होती है कि उन बूथों में सही तरीके से मतदान मॉक पोल हो रहा नहीं हो रहा, मतदान हो रहा नहीं हो रहा है। तो 7 बजे जो है ये स्थिति आरंभ हो गई थी। जैसे मैं बता रहा था आपको धौन जो सेक्टर था उसमें 550 के करीब जो है मतदाता थे, तो वहाँ 7 बजे से ही जो है आने, वो 7:15 बजे आ गए थे एजेंट, एजेंट लोग आ गए थे, तो उन्हें भी देखा एक मॉक पोल कैसे होता है और किस तरह से होता करके, तो उन्हें भी ये हो गया कि तसल्ली की जो बटन दबा रहे हैं वही जो है आ रहा है। तो आपके जो सभी 10 बूथ थे उसमें आपके ईवीएम में वीवीपैट में कोई भी गड़बड़ी देखने को नहीं मिली? जी हाँ, एक बूथ था ऐसा तो कोई बड़ा दिक्कत नहीं आई मशीनों में, एक बूथ था 46 वो उसका जो बैटरी था वो जो है मीडियम आ गया था। तो हाँ, इस बार बहुत अच्छी बात जिलाधिकारी महोदय ने किया कि जो जितने सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उनको जो है एक एक हमें एक्स्ट्रा वो दिए थे, क्या बोलते हैं, ईवीएम मशीन, ईवीएम मशीन प्लस बैटरी, और एक एक ईवीएम एक्सपर्ट दिया था, क्योंकि मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ ईवीएम मशीन के, अगर कोई खराबी आ जाए तो जो एक सभी बूथों में दिए थे। तो मेरे साथ जो एक ईवीएम एक्सपर्ट थे ज्ञान सिंह रावत जी, वो उन्होंने जो है तत्काल हम लोग पहुंचे वहां पर और उन्हें बताया कि अभी ये बहुत समय चलेगी, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि हम उसी रेडियस में थे तो अच्छा, उसकी बैटरी थोड़ा सा आपको कम लगी थी? हाँ, बैटरी मीडियम था लेकिन वो चलता है, वो ऐसा होता है पहले हाई होता है फिर मीडियम आता है फिर लो आता है, तो वो दो दो तीन तीन दिन तक चलती है। जी, तो वो घबरा गए थे एकदम से कि मीडियम आ गई हाई से, तो हमने बोला घबराने की बात नहीं, उन्हें ईवीएम जो एक्सपर्ट थे हमारे साथ उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं, अभी ये बहुत अभी काम करेगी। तो बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी, बिल्कुल दुर्लभ जानकारी आप बता रहे हैं, जो कि आम मतदाता को पता नहीं होती है कि कैसे ये सब प्रक्रिया होती है। तो ये जो ईवीएम एक्सपर्ट जो रखे गए थे इनको क्या ट्रेनिंग दी गई थी? हाँ, ये किस तरह के कौन लोग थे? ये विशेष रूप से आईटी से होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, और विशेष रूप से पॉलिटेक्निक से होते हैं। जी जी। और कुछ तो एक्सपर्ट ही होते हैं जो बाहर से आते हैं। तो काफी बड़ी संख्या में तादाद में लोगों को इसमें रखा गया होगा, क्योंकि हर बूथ में आपका कहना है कि एक एक्सपर्ट था। जी जी। और ये तो जब हमारी मीटिंग है, जब हम पूरे बूथ में भ्रमण करके आ गए थे, फिर जिलाधिकारी महोदय ने फिर मीटिंग ली, उन्होंने बोला कि बताइए आप अपनी समस्या बताइए, तो हमने एक रास्ते की
बात बताई कि रास्ता बहुत दुर्लभ है, आपदा में बहुत सारे, तो मैंने तो जिलाधिकारी महोदय को ये बोला कि सर अगर हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था होती तो अगर कहीं पर ऐसा तत्काल अगर जाना पड़े, क्योंकि दो अगर कहीं पर ईवीएम मशीन खराब हो रही है 2 घंटे के भीतर जो है उसको तुरंत चालू करना है 2 घंटे के भीतर जी, जी, तो जहां 9-10 किलोमीटर या 25-30 किलोमीटर मैंने बताया पैदल चलने की स्थिति है तो वहां पर 2 घंटे में नहीं पहुंचा सकता पहाड़ में। तो जिला लेकिन क्या जी, पहाड़ में हेलीकॉप्टर के लिए फिर ग्राउंड और ये सब की सुविधा क्या उपलब्ध हो नहीं है? अब वो मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को रखा था, अपनी बात रखी थी, उन्होंने अपनी बात बोली कि अच्छा सुझाव है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये पहली बात तो ऐसी दिक्कत ना आए, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने ये सबसे बड़ी बात की कि सभी जो बूथ थे जो दुर्लभ बूथ थे जहां पर पैदल चलना था उनको एक एक एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन दे दिया था जी जी। ताकि हमें जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा था वो हमारे पहुंचने से पहले उनके पास जो एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन है वो उसका प्रयोग कर लें जी जी। तो जितने भी बूथ थे 4 किलोमीटर से दूर, ये मैंने भी खुद सुझाव दिया था कि सर अगर अगर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी नहीं हो पाती तो आप ऐसा व्यवस्था करवा दीजिए जिससे कि ईवीएम मशीन खड़े हुए थे जो हर बूथ पर जो लोग थे उनको एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन दिया था तो इस चीज से तो उभर गए थे हम लोग कि मतलब ऐसी नौबत ना है, अगर आ भी जाए तो उनके पास एक एक्स्ट्रा ईवीएम मशीन है वो तो एक सुकून कहने के थोड़ा मिला होगा कि चलो राहत है कि एक स्पेयर में है स्पेयर में। हाँ जी हाँ शुरू में क्योंकि अब उपलब्ध हो गए होंगे, पहले नहीं हो पा रहा होगा उपलब्ध लेकिन बाद में उपलब्ध हो गए, तो सभी जितने बूथ थे सभी में जो है एक्स्ट्रा दिया था, इवन सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी दिए थे ईवीएम मशीन और बैटरी वगैरह। तो कितने देर तक आप लोग रहे भ्रमण में? और भ्रमण में पूरी अच्छा हाँ मैंने आपको बताया कि जैसे पोलिंग पार्टी जाती है जैसे उनको छोड़ते हैं उसी तरह उनको वापस मतदान होने के बाद भी वापस जो है वहाँ लाना होता है। गौरल चौड़ मैदान है वहाँ पर पूरा जो है जो रात भी दिन लगती है पूरा एक त्योहार जिसे कहते हैं पर मेला लगता है चुनाव का मेला, तो आती हैं पार्टियां आती हैं तो जिस तरह से गई उसी तरह से आना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमारी जो पोलिंग पार्टी जैसे 9 तारीख को गई थी तो वो 10 को पहुंची, 11 को मतदान हुआ, 12 को वो चली, 13 को पहुंची। तो 11 की रात जो है वहीं पर वहीं रुके, अपने अपने बूथ में ही रुके जी, और ईवीएम और वो सब लॉक कर दिए थे। हाँ वो पूरी प्रक्रिया होती है ईवीएम लॉक और बैटरी वोटिंग होने के बाद बताना चाहें आपकी किस तरह की प्रक्रिया होती है? जैसे आखिरी मत पड़ गया 5 बजे तक, 5 बजे के बाद भी अगर लाइन लगी है अंदर है गेट के अंदर नहीं तो चलेगी वो गेट के स्कूल के जो क्षेत्र होता है प्रांगण होता है उसके अंदर भी लाइन चलेगी तो मतदान 7 बजे तक चलेगा ऐसा नहीं। तो वहाँ कितने बजे तक चला? वो पर्ची वाला सिस्टम है जो सबसे लास्ट है उसको एक पर्ची देते हैं, काउंटिंग नीचे से पीछे से शुरू होती है। तो उसके बाद जो है जो पीठासीन अधिकारी होता है वो बहुत सारे प्रपत्र भरते हैं और जो वीवीपैट का जो है इसकी बैटरी भी निकाल देते हैं क्योंकि लीकेज करती है ये ऐसे सुनने में आया था, तो हमें भी ये निर्देश दिया था लास्ट मूवमेंट पे ट्रेनिंग के दौरान कि और पीठासीन अधिकारी को भी हमने ये सारी बातें बता दिया था कि इसको आप निकाल दीजिए और सब पूरा सील्ड होता है, पूरी सील्ड होता है इसमें पूरा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जी जितना मैं समझता हूँ। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात जो मीटिंगों में और वैसे हमें देखने को मिला कि जो शिक्षक होता है मुख्य रूप से सारे टीचर्स होते हैं पुलिस को छोड़कर, क्योंकि पुलिस वालों का तो रोज ही पब्लिक काम होता है तो लेकिन टीचर एक सेफ जोन में रहता है, तो मुझे ये लगा कि हम एक सेफ जोन से निकल कर एक चैलेंजिंग जोन में पहुंच गए हैं। तो ये सारी और नई नई चीजें सामने आ रही हैं जो हमने कभी देखी नहीं है, तो एक नया अनुभव ये रहा कि क्योंकि टीचर का तो पठन पाठन से होता है और विद्यार्थियों से ही होता है वो हाँ, तो लेकिन यहाँ पर आप एक प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उस प्रशासनिक जिम्मेदारी में जो है आप जो है गांव वालों से बात कर रहे हैं और बहुत सारे जो चुनौतियां हैं उनसे आप सामना कर रहे हैं जी जी। तो उसको निभाते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत आपके उत्साह को देखकर लग रहा है, तो क्योंकि पहली बार आपने जिम्मेदारी निभाई तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो टीचर्स हैं क्योंकि सारे टीचर्स जाते हैं और 2-2-3-3 दिन पैदल तक जाके इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो बहुत सारी बातें आपने साझा की हैं, कुछ और अगर आप कहना चाहें जिन जिन बूथ्स पे आप पैदल गए हैं वहां अगर क्या किस तरह की सुविधाएं थी, जिन गांव की जिस उत्तराखंड राज्य की हमने डिमांड की थी तो क्या वो तमाम सुविधाएं आपको उन गांवों में उन दूरस्थ गांवों में क्या देखने को मिली? जी देखिए ना ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसके मैं बड़ी ईमानदारी से इसका जवाब दूंगा। गांव में हालांकि गांव में देखने को आया एक तो माइग्रेशन जो मैंने पाया, जो हम गए बहुत जहां मैं जा नहीं सकता था लेकिन जिम्मेदारी थी जाना था और सभी बूथों में हम गए तो वहां पर देखते माइग्रेशन बहुत ज्यादा है, लोग जो है पलायन का एक देखा, दूसरा जो है लोगों ने खेती जो है बहुत जो है छोड़ दी अपनी, उनसे गांव वाले से पूछा जब खेत हमने देखे सूखे थे बंजर खेत देखा तो गांव वाले से पूछा बोला यहाँ बंदर हैं सुअर हैं जंगली जानवर हैं
और ज्यादातर लोग जो है गांव से निकलकर अपना जो है शहरों की तरफ चले गए, तो जो हम बातें कविताओं में, कहानियों में, यथार्थ में सुनने को मिलता है, वो हमें देखने को मिला वहां पर प्रत्यक्ष रूप से। तो गांव में वही है जिसका शहर में कोई नहीं है, और गांव में क्या बात है, बड़ी बात आपने कहते हैं कि गांव में वही है जिसका शहर में कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, जिसको जिसके लिए अनिवार्य शर्त है गांव में रहना, गांव में रहना, जिसका पति कोई बाहर जॉब नहीं करता है, घर में खेती ही करता है, तो वो लोग केवल अभी गांव में रह रहे हैं। जी जी, भ्रमण के दौरान कुछ और अनुभव आपके कुछ रहे हों? जी जरूर, मैं एक अनुभव ये बताना चाहूंगा कि जब हम भ्रमण पे गए थे कुपडोनी में, तो हमें वहाँ 6:30 के करीब हो गया था, जब हम चढ़े तो हमें 8:30-9 बज गया था, आधा रास्ता 4.5 किलोमीटर नाक की सीध का ऊपर है, तो हम थक के, हमारी जो टीम थी उसमें थक के हम चूर हो गए, तो हमने देखा कुपडोनी ऊपर एक गाँव था, उस गाँव में 7 या 8 परिवार रहते थे, तो वहाँ के जो BLO जोशी जी, उनसे पूछा कि रात में अगर व्यवस्था हो जाती तो हम यहीं रुक जाते, ये हिम्मत किसी की नहीं होती, जो महिला दरोगा मैम बताया था मैंने, उन्हें भी मना कर देगी सर नहीं, रात में चढ़ना जानवरों का खतरा, रास्ते उबड़ खाबड़। तो जिस घर में हम रुके वो परिवार उतना संपन्न नहीं था, लेकिन उनकी संपन्नता उनकी सोच में थी, उनके व्यवहार में थी, उन्होंने जब गए तो उन्होंने गर्म पानी हमारे हाथ मुंह धोने के लिए किया, खाना बहुत अच्छे से खिलाया, और रात में जो है हम सभी को जो है एक एक गिलास, जो उनके गाय थी उसका एक एक गिलास दूध दिया, और अतिथि मतलब उनके उसके चेहरे पे इतना था कि इतना सत्कार किया हमारा, तो हमें वो अपना चुनाव ड्यूटी भूल के और हमारी जो थकान थी सब निकल गई, हमें लगा कि हम अपने ही परिवार में आ गए हैं। तो सुबह भी जो है 4 बजे उठ के उसका बेटा जो है एक एग्जाम देने के लिए तैयारी के लिए उसके लिए रोटी सब्जी बनाना, तो मुझे लगता है गांव में अभी भी जो है काम के मामले में महिला प्रधान अभी हमारा क्षेत्र है, विशेष रूप से उत्तराखंड के, तो महिलाएं बहुत काम करती है, और हालांकि उनके पति भी थे, लेकिन जो महिला ने अपनी भूमिका हमारे अतिथि सत्कार में निभाया वो मुझे और कहीं देखने को नहीं मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। और जो पंजाब की जो सालू मैम थी, दरोगा मैम, उनने भी इस बात को महसूस किया कि हाँ वाकई में यहाँ के जो लोग होते हैं बहुत सीधे साधे, बहुत सरल, तो देव तत्व तो जो है उत्तराखंड के लोगों में जो है पाया जाता है। और जानकारी आपने दी पहाड़ के लोगों का जो सरल और सीधा होना, जो आतिथ्य है, तो वो इससे कहीं न कहीं झलक के आया। तो प्रकाश जी, आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत दुर्लभ जानकारियां भी आपने दी वोटिंग से जुड़ी हुई, और जो कि हर व्यक्ति तक इस तरह की जानकारियां होनी चाहिए कि कैसे इतने बड़े चुनाव जो हैं वो संपन्न कराए जाते हैं। तो चलते चलते कुछ और अगर आप अपने अनुभव अपने साझा करना चाहें, कुछ अगर चीजें छूट गई हों वो बताना चाहें। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी चाहे सरकारी कर्मचारी की है चाहे मतदाताओं, दोनों से मिलकर जो एक पवित्र त्यौहार जो लोकतंत्र का हमारा है, मत का देने का त्यौहार, इसको सफल तभी बनाया जा सकता, और साथ में समस्याएं तो आती हैं, और इन समस्याओं को हमें उस समय उजागर नहीं करना चाहिए, उस समय उस काम को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जैसे तैसे उस काम को निभाना चाहिए, है ना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। और चीजें तो जो हैं, दिक्कतें हैं, वो तो पूरे जीवन भर हैं, और उनको जो है धीरे धीरे ये समस्याएं सुलझती हैं, एकदम से कोई चीज, और कहीं पर होता है कि वो चीज ऐसी उठा दी जाती है कि सारा का सारा जो व्यक्ति का ध्यान है उस चीज की तरफ चले जाता है, कोई राई का पहाड़ बन जाता है, और जो पहाड़ जैसी चीजें वो राई बन जाती हैं। तो जीवन में मैं समझता हूँ कि ऐसे भी आती हैं चुनौतियां, तो उनको जो है तत्काल उस पर फोकस करना चाहिए, जो हमारा मुख्य जो है काम है, मुख्य दायित्व। तो जब सारी EVM मशीनें जमा हो गई होंगी, सारे VVPAT जमा हो गए होंगे, उसके बाद अगले दिन तो आपको बड़ी घोड़े बेचने वाली नींद आई होगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब हम मिले वहाँ पर 12 तारीख की रात दिन तक जो है आती 4 बजे तक वो जो लास्ट पोलिंग पार्टी आई, और आए तो फिर वो जिलाधिकारी महोदय और उप जिलाधिकारी महोदय और तमाम जो एक्सपर्ट्स बाहर से ऑब्जर्वर आए थे, उनके चेहरे भी खुशी देखने लायक थी कि हमारा जो इस क्षेत्र का जो मतदान है बहुत शांतिपूर्वक निभ गया, और जिलाधिकारी महोदय जी का जो स्वभाव था वो भी बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण रहा है, वो सबसे शेक हैंड करके जो है बधाइयां दे रहे थे कि आप लोगों ने बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो दुर्गम स्थान है वहां पर जो है बड़ी ईमानदारी से, बड़े भावुक पल थे, मैं कहूं। हाँ बिल्कुल, और फिर हम रात भर तो नींद नहीं आई, उस दिन भी नहीं आई, 10 तारीख की भी नहीं आई, 11 को भी नहीं आई, तो फिर 12 के बाद धीरे धीरे एक सामान्य जो है जीवन रहा, दिनचर्या में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और आप अभी स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट में हैं, और आप बता रहे थे कि वहाँ पर भी वहाँ के जो युवा थे, वहाँ के जो पहले ही बार वोट देने वाले जो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उनके लिए भी क्या कोई ट्रेनिंग कैंप आपके कॉलेज में लगाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, वो केंद्र सरकार के ये कार्यक्रम है, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो नए वोटर है उनको जो है मतदान जो लिस्ट होती है उसमें जो है उनका नाम जोड़ना और ये मत पत्र, उनका जो निर्वाचन पत्र बनना है, लेकिन इस बार जो है 11 ऐसे वो थे
आपके पास पहचान पत्र जिसे आप वोट दे सकते हैं, जैसे उदाहरण तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका आई कार्ड है, और आपका उसमें जो मतदान जो लिस्ट है उसमें आपका नाम होना चाहिए। तो ऐसे 11 बूथ है। तो महाविद्यालय के अंदर भी जो है समय समय पर प्रपत्र आते हैं उनको, छात्र छात्रों जो 18 साल के हो रहे हैं उनको जो है मतदान कराने के लिए जो है। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम इस बार प्रशासन की तरफ से चलाए गए थे। जी जी, ये कार्यक्रम चलाए गए और केवल मतदान करने के लिए ही प्रेरित नहीं, जो ईवीएम मशीनें हैं इनको किस तरह से प्रयोग करना है उसके लिए भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए जिला स्तर पे कि मतदान ज्यादा अधिक से अधिक वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़े। तो हाँ, एक और एक अच्छी बात बता दूं कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज रही अल्मोड़ा विधानसभा पहले से कुछ परसेंट ज्यादा रही है। जी, ये जागरूकता का ही एक परिणाम होता है, नतीजा है। अच्छा, कुछ इस तरह का भी आपने वॉच किया, एनालिसिस करने की कोशिश की कि पहाड़ों में अभी भी जो मत दिए जाते हैं परिवार में, वो क्या महिलाएं जो हैं या बच्चे जो हैं वो सब मुखिया के कहने पर वोट डालते हैं, या किस आधार पर वोट डालते होंगे पहाड़ों में अभी भी लोग, किस तरह से प्रत्याशी का चयन करते होंगे, कुछ ऐसा एनालिसिस आपने लोगों को देखकर क्या ऐसा? नहीं, मुझे ये लगता है जी, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते कि जो पहाड़ों में जो मतदान है, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं इसमें ज्यादा मैं समझता हूँ प्रचार प्रसार भी बहुत कम होता है, क्योंकि एक जैसे मैंने बताया कि एक सभा सीट में 14 विधानसभा आती हैं, तो वो शामिल है, वो हर जगह नहीं जा सकते। तो मुझे एक तरह से ग्रामीण लोगों का जो मुलाकात की तो उनका ये लगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या उन्हें लगता है कि हमें उन्हें वोट देना चाहिए, जो उन्हें गांव वाले अधिकतर एक तरफ जो चाहते हैं, तो इस तरह से जो है लोगों ने अपना मतदान मुझे लगा कि वो देते हैं करके। हाँ, लेकिन जो विधानसभा और जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें जो है बहुत ज्यादा भीड़ भागीदारी होती है और लोगों में उत्साह भी होता है, लेकिन वो लोकसभा जो वोटिंग परसेंटेज भले बड़ी है लेकिन वो जो उत्साह जो होता है कि हमें उसको देना है, उसके ये मुद्दे हैं, वो इस तरह बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय भागीदारी उतना ज्यादा नहीं हो पाती है क्योंकि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, प्रत्याशी को बहुत पर्सनली लोग जानते नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, सारे कारण होते हैं। जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और बातचीत होती है, और जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव होते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान एक ही गांव से अगर 2-3 लोग उड़ गए तो उनमें दिन रात चलता रहता है, मथापच्ची चलती रहती है, चर्चाएं चलती रहती हैं, वाद विवाद चलता रहता है, किसको वोट देना, एक ही घर से उड़ जाते हैं कई बार, तो उसमें ज्यादा चहल पहल मुझे रहती है। फिर विधायक वाले में भी है कि विधायक भी हर जगह पहुंच ही जाते हैं। जी, तो ये थोड़ा लोकसभा और विधानसभा और पंचायत का थोड़ा ये मुझे अपना अनुभव ये लगा जी। तो डॉक्टर प्रकाश लग रहा है आपने बहुत सारी बातें बताई, मुझे लग रहा है काफी बातें आ चुकी हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतने सारे अनुभव साझा करने के लिए। जी, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का चर्चा में कार्यक्रम कैसा लगा और वोटिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, और अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देना चाहते हैं तो हमारा मेल एड्रेस है hellohaldwani91.2@gmail.com। तो अब अपनी रेडियो दोस्त सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।